एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। जदयू नेता के पोस्टमार्टम के दौरान अस्थावा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्वारा सिविल सर्जन और चिकित्सक के साथ अभद्र व्यवहार किए जाने से नाराज बिहार शरीफ सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने ओपीडी सेवा को ठप कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दिया है। विधायक की दादागिरी ऐसी दिखी कि रदराज सिविल सर्जन हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे, मगर विधायक जी का गुस्सा कम नहीं हुआ, जिससे दूर दराज से आए मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हड़ताल पर गए चिकित्सकों का आरोप है कि विधायक बिना पोस्टमार्टम नेचुरल डेथ का सर्टिफिकेट देने को कहा, इस पर वे राजी नहीं हुए। ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर पवन कुमार का कहना है कि पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है उसे बिना पूरे किए हुए कोई अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है। हम आपको बता दें कि सारे थाना इलाके के बड़ेपुर गांव में जदयू नेता जितेंद्र यादव की संदेहास्पद स्थिति में सुप्तावस्था में मौत हो गई। इसके बाद मौत के कारणों को जानने के लिए परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए सदर अस्पताल लाए थे, जिसके मातमपुरसी के लिए अस्थावा के विधायक डॉक्टर जितेंद्र कुमार पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के मौत के कारणों पर रिपोर्ट देने को कहा। बात बढ़ता देख नालंदा के सिविल सर्जन भी अस्पताल पहुंचे तो उनके साथ भी विधायक ने अभद्र व्यवहार किया। इस बात की जानकारी जब अन्य चिकित्सकों और कर्मियों को हुई तो वे लोग विरोध करते हुए ओपीडी सेवा को ठप कर हड़ताल पर चले गए। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा कि वो मरने का रीज़न क्या रहा है। और ऐसे तो लोगों का कहना है कि 11 बजे 12 बजे सोए ही थे और फिर सुबह उठे तो सोए ही रह गए। तो लोग परिजन लोग यहाँ पे आए भी हैं। पोस्टमार्टम के बाद रीज़न मालूम चलेगा क्या किस वजह से हुआ, हार्ट अटैक हुआ या कुछ और हुआ, क्या हुआ के बाद ही मालूम चल पाएगा। फिलहाल सस्पेक्टेड है ये, तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही आप जैसा जानते ही हैं कि पोस्टमार्टम के बाद रिपोर्ट आता है, तो वही चीज मान्य होता है जो आता है रिपोर्ट। क्या कारण क्या है? विधायक गाली गलौज किए हैं। कौन सा विधायक? अस्थामा के विधायक। उनका क्या कारण क्या था? नेचुरल डेथ समोता डॉक्टर दबाव डाल रहे थे कि नेचुरल डेथ लिखिए, और डॉक्टर मिश्रा प्रिजर्व रख के चाह रहे थे कि मिश्रा का रिपोर्ट आएगा तब लिखेंगे। इसी पे गाली गलौज किया सब डॉक्टर भागे और की हमको काम कराने के लिए डॉक्टर को रिक्वेस्ट करने दीजिए। कौन सा डॉक्टर? उसमें ड्यूटी में कौन सा डॉक्टर थे? तीन डॉक्टर थे। कौन कौन थे? एक डॉक्टर पवन कुमार, एक डॉक्टर अनिल कुमार और सिविल सर्जन स्वयं आए। पोस्टमार्टम कौन किए थे? अब रुकिए काम कराने दीजिए।